अक्सर पसीना आने का संबंध ज्यादातर गर्मी के दिनों में होता है। पसीना आना एक शारीरिक क्रिया है। पसीने के दो प्रकार होते हैं, पहला गर्मी का पसीना और दूसरा व्यायाम का पसीना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों के बीच क्या अंतर है? तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाएं और ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, पसीना एक तरल द्रव है जो हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मददगार होता है, जिसके द्वारा हमारे शरीर से सोडियम सॉल्ट नाइट्रोजनस वेस्ट पसीने के रूप में बाहर निकाला जाता है और यह एक प्रकार की प्राथमिक रूप से ठंडक देने वाली क्रिया है। पसीना हमारे शरीर में मौजूद दो ग्रंथियों के माध्यम से बाहर निकाला जाता है, पहली ग्रंथि एक्राइन और दूसरी एपोक्राइन। इसमें से एक्राइन ग्रंथि द्वारा गर्मी का पसीना निकलता है और एपोक्राइन ग्रंथि द्वारा व्यायाम का पसीना निकलता है। दरअसल गर्मी के पसीने को अंग्रेजी में समर स्वेट तो व्यायाम के पसीने को एक्सरसाइज स्वेट कहा जाता है। गर्मी का पसीना हमारे पूरे शरीर पर पाया जाता है, जबकि व्यायाम का पसीना सिर्फ चुनिंदा जगह पर ही पाया जाता है, जैसे कि खोपड़ी, बगल, कमर के आसपास आदि। यह पसीना फैटी एसिड और प्रोटीन से युक्त दुधिया से बना होता है, जबकि गर्मी का पसीना पानी, नमक और पोटेशियम से बना होता है। यही कारण है कि नियमित पसीना नमकीन होता है। साथ ही गर्मी का पसीना जल्दी बाष्पित होने के कारण शरीर ठंडा हो जाता है और व्यायाम का पसीना जल्दी बाष्पित नहीं होता, बल्कि यह हमारे त्वचा पर बैक्टीरिया से मिलकर गंध पैदा करता है। गर्मी का पसीना बहुत ही कम मात्रा में गंध पैदा करता है, जबकि व्यायाम का पसीना अधिक मात्रा में गंध पैदा करता है। मतलब गर्मी का पसीना और व्यायाम का पसीना में काफी अंतर होता है। तो इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।